हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पोटली बटन बनाना सिखाऊंगी, कपड़े से किस तरीके से बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने इसमें ये एक चकोर पीस निकाल लेना है 3 इंच का। इस तरीके से निशान लगाकर एक चकोर पीस काट लें आप। और उसके बाद आप इसमें कॉटन या कपड़ा जो भी है आप इसके अंदर रख सकते हैं, कपड़ों की कतरने कर लें। देखिए, मैं इसमें कपड़े डालूंगी इसके अंदर, इससे बनाऊंगी मैं पोटली बटन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, चौक से एक गोल निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा लिया हमने। अब हम इसमें सुई से हमें क्या करना है, इसमें सिलाई करनी है। बिल्कुल जहाँ पर हमने निशान लगाया इसके चारों तरफ हमें सिलाई करनी है। चारों तरफ हमें इसमें गोलाई में सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से आपको सिलाई करने के बाद इसमें जो हमने बीच में इसे हल्का सा ऐसे करेंगे, देखिए खींचेंगे हल्का सा, बिल्कुल कम। और इसमें जो हमने ये कपड़े की कतरने लिए हैं इसको हम बिल्कुल इस तरीके से गोलाई में इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए। और ये इस तरीके से अंदर दबाते हुए इस गोलाई में, और इस धागे को हमें खींचना है। उसके बाद धागे को खींच कर इसके चारों तरफ हमें इसे लपेट कर सिलाई करनी है। चारों तरफ इसके इस तरीके से, और इसमें सुई से भी आप सिलाई कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल पक्का मजबूत कर ले। देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप घर पर बनाए इसे कुर्ती के लिए, ब्लाउज के लिए, किसी में भी लगाने के लिए आप इस तरीके से बटन बना सकते हैं। और कम समय में बन जाता है ये, और बहुत ही बनने के बाद अच्छा लगता है, सुंदर दिखाई देता है। ये हमारा बनकर तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।